राकेश त्रिपाठी जी, जरा इस बात का जवाब दीजिएगा कि बीजेपी यहां पर बिहार में मतलब विपक्ष की पार्टी है या क्या है? आपके नेता कह रहे हैं कि यह तो शासन की कमी दिख रही है, तो भैया शासन चला कौन रहा है? बीजेपी जेडीयू चला रही है कि आरजेडी चला रही है? कौन चला रहा है? यह पहली मरतबा देख रहा हूं सरकार का सरकार से सवाल है। मैं छोड़ दीजिए विपक्ष को, राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं मानता हूं कि सवाल वाजिब है या नहीं है यह महत्वपूर्ण है। सवाल किसने पूछा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल वाजिब है या नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होती है तो सवाल हर व्यक्ति को पूछा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें पार्टी के भीतर से, सरकार के भीतर से अगर सरकार आप ही की है ना, तो आप अपने ही पर सवाल कर रहे हैं ना भाई। अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शासन की कमी दिख रही है, तो शासन की आपकी गठबंधन की सरकार चला रही है, एक सीएम दो डिप्टी सीएम मिलकर चला रहे हैं, तो किससे जनता सवाल पूछे भाई? प्रत्युजी, आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उदाहरण दूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे सरकार और संगठन के बीच की एक बारीक रेखा हमेशा होनी चाहिए। संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी संगठन के वहां मुखिया हैं और उन्होंने संगठन के मुखिया के नाते शासन की जो भी कमियां खामियां हैं उसको उन्होंने इंगित करने का काम किया है। ये इंगित किसी केवल किसी राजनीतिक दल को नहीं लेकर के है। शासन एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की कोई खामी आई है तो उस खामी पर उन्होंने टिप्पणी की है, और मैं मानता हूं इस खामी को दूर करने के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में सामान्य व्यक्ति को कोई कष्ट ना पहुंचे, लोक शांति ना भंग हो, किसी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना किया जा सके। मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार की, मतलब आप कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि बिहार में शासन में कमी है, आप इस बात को मान रहे हैं? सुभ्रांश राय सवाल कीजिए जल्दी, मैं बाकी मैं कहीं पर हिंसक घटना